सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 12, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के सारे पॉसिबल ट्रिक्स। ये जो सीरीज चल रहा है, इसमें मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सारे चैप्टर्स के जितने भी पॉसिबल ट्रिक्स हो सके। तो देखो, मैंने यहाँ पे भी चूज किया है, इसमें डायग्राम्स में उतना कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन एक ये डायग्राम है, इसका वैसे ट्रिक्स तो नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा। और बाकी जितने पॉसिबल ट्रिक्स हैं तो मैं बताता हूँ आगे। तो देखो, सबसे पहले यहीं पे पहला ट्रिक यहां से आता है कि थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर। तो ये तीन है, एनसीईआरटी के तीनों आपको याद करनी जरूरी है। कैसे याद करेंगे, तो देखो ट्रिक इसका क्या है, सबको ट्रिक से याद नहीं कर सकते, बट इसका जो मेन एक वर्ड है उसको उठा के एक ट्रिक बना दिया मैंने, वहां से आप याद कर सकते हो। थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी आर, पहला क्या है, प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इंप्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम। दूसरा क्या है, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। और तीसरा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो मैंने कैसे किया, लिया एक इसको उठाया, इसको उठाया, इसको उठाया, तो कैसे बनाया, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिंग ऑप्टिमम कंडीशन इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे ये कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कैसे बनाया, तो इसको कैसे याद करोगे, तो देखो अभी आप मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, इनकेस कल आपका सिलेक्शन हुआ तो आप एमबीबीएस कॉलेज में जाओगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, तो वहां आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होगी। तो आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट का कलेक्शन करोगे ना, तो डॉक्यूमेंट DOC, डॉक्टर भी बनो ऐसे भी कर सकते हो, DOC डॉक्यूमेंट या डॉक्टर कैसे भी याद रख सकते हो, और एक बार और एक्स्ट्रा का कलेक्शन, डॉक का कलेक्शन कैसे भी करके, या फिर अगर उतना नहीं जाना तो डॉक सी लगाना, आप लोग डॉक्टर बनोगे DOC डॉक और एक सी एक्स्ट्रा कर देना। इसका मतलब क्या है, डी फॉर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, OC से ऑप्टिमम कंडीशन और सी से कैटलिस्ट। अगर ये तीन आपको याद हो गया, डॉक सी, तो आप ये पूरा याद कर लोगे। इतना क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट चलो। नेक्स्ट यहीं पे, यहां पे फिर हमारा है ये, लेट अस टेक अ लुक एट द थ्री ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। ये एनसीईआरटी में है, यहां तीन चीज है, तो उसको देखते हैं। तो देखो, थ्री ऑप्शन दैट कैन बी थॉट फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। तो ये तीनों याद कैसे कर सकते हो, तो इसको बताने से पहले एक और चीज देखो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कुछ फुल फॉर्म है, एब्रीविएशन है, जैसे एलाइजा हो गया, एलाइजा का क्या, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, ये हो गया GEAC, ये है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ADA एडिनोसाइन डीएमिनेज डेफिशिएंसी, BT बैसिलस थुरिंजियसिस, ये सारे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में एक बार रख लेना, कोई ट्रिक नहीं है, ये मैंने बता दिया क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो GEAC है जेनेटिक इंजीनियर अप्रूवल कमिटी, तो अगर इसको याद कर सकते हो तो ऐसे भी याद रख सकते हो। अब GEAC और आगे O लगाना, GEAC O, अगर ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको तो सिंपल याद रखना, नेशनल ज्योग्राफी होता है GO, GEO जियो हुआ, और AC हमारे घर में एयर कंडीशन, AC होते हैं आपके घर में, क्या हो गया ACGEO, फुल फॉर्म AC का क्या हो गया, एग्रोकेमिकल, एग्रोकेमिकल के साथ क्या हो गया AC, उसके बाद क्या है GEO, जी मतलब जेनेटिक इंजीनियर्ड और O मतलब ऑर्गेनिक, यही मैंने इसको उठाया मैंने, ये जेनेटिक इंजीनियर्ड, कैसे बनाया, जेनेटिक इंजीनियर GEO, ऑर्गेनिक जियो हो गया, और ये AC, अगर ऐसे याद रखना ऐसे करो, नहीं तो ऐसे GEAC जो मैंने आपको फुल फॉर्म से ये याद हो जाएगा, जेनेटिक इंजीनियर AC एग्रोकेमिकल, O से ऑर्गेनिक, ये तीनों याद हो जाएंगे आपको। अब देखो यहां इंपॉर्टेंट, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के फीचर्स क्या हुआ है, यहां पे मैंने इसमें लिख दिया है, यहां से देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में है, तो मैंने मेन पॉइंट उठाया, जैसे कि मेड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स, हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स एंड इनहेंस न्यूट्रिशनल वैल्यू। कैसे याद रखोगे, तो ये मैंने मेन पॉइंट उठाया कि न्यूट्रिशन मिनरल पोस्ट हार्वेस्ट रिलायंस टॉलरेंट, ये सबको उठाया, इसको एक छोटा सा ट्रिक बना लिया। क्या है, जैसे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, किस पे कर रहा हूँ, फोन पे, आप ये वीडियो भी देख रहे हो अपने फोन से, मान लो फोन से देख रहे हो, बहुत स्टूडेंट फोन से देख रहे हैं, लैपटॉप टैबलेट कुछ भी हो,
जनरली फोन हम यूज करते हैं, सिंपल याद रखो किससे देख रहे हो इसको हटाओ, फोन तो जानते हो, फोन को हम क्या बोलते हैं, मोबाइल भी होते हैं, मोबाइल नंबर भी होता है हमारा, तो फोन हो गया हमारा ये, पीएच से क्या हो गया फोन, फोन को ही हम क्या बोलते हैं मोबाइल बोलते हैं, मोबाइल नंबर होता है हमारे पास, मोबाइल नंबर फोन या मोबाइल नंबर। अच्छा जनरली अगर कोई केस वगैरह होता है, अगर मान लो गुम हो जाता है किसी का फोन, तो उसको ट्रस्ट किया जाता है, पुलिस वगैरह का भी ट्रस्ट करती है, आपने सुना होगा मोबाइल नंबर ट्रस्ट, तो फोन या फिर और कर दो यहाँ मोबाइल नंबर ट्रस्ट टीआर। काम किसका है हमें ट्रिक में, इतना स्टोरी के हमें काम है इसका, पीएच का, पीएच फॉर फोन, फिर मोबाइल नंबर और ट्रस्ट का टीआर, पीएच फॉर पोस्ट हार्वेस्ट, ये पॉइंट याद हो गया, हो जाएगा इससे। अब क्या है पीएच कंप्लीट, फोन उसका क्या है मोबाइल नंबर, एम एन, एम फॉर मिनरल कंप्लीट, एन फॉर न्यूट्रिशनल, ये भी याद रख सकते हो, या फिर आपके चैप्टर भी है नीट में मिनरल न्यूट्रिशन, इससे भी याद रख सकते हो, आराम से पॉइंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर टी आर ट्रेस, टी आर, टी फॉर टॉलरेंट, आर से रिलायंस, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड, इतना कंप्लीट हो गया, ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। तो आप देखो यहाँ पे इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लेकिन ये सब ट्रिक से नहीं पढ़ना है, कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ कोई ट्रिक नहीं होगा। यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो दिया हुआ सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थुरिंजिएसिस, यहाँ पे इसको देख लो, सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थुरिंजिएसिस प्रोड्यूस प्रोटीन दैट किल सर्टेन इंसेक्ट सच एज, कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं, तो आप देखो लेपिडोप्टेरन के अंदर क्या क्या है, आर्मी वॉर्म, बर्ड वॉर्म, ये एनसीईआरटी में यहीं पे दिया हुआ है, देखो तो मैंने थोड़ा सा ट्रिक बनाया है यहाँ पे, आप देखो सीबी मतलब ये कॉलियोप्टेरन और डी से डिप्टेरन, तो आपको ये ट्रिक याद रखना है छोटा सा, उसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल है कि लेपिडोप्टेरन के अंदर क्या क्या है, कॉलियोप्टेरन के अंदर क्या आएगा और डिप्टेरन के अंदर क्या है, तो ये आपको याद करना जरूरी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको सिंपल एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, बायोलॉजी है, बायोलॉजी के साथ हम केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, और आप अगर स्कूल में पढ़े हो 11-12 में, स्कूल में हमारे लैब भी होता था, तो उसके लिए लेबोरेटरी हमारा तैयार होता था, तो LAB लैब हो गया किसका, केमिस्ट्री एंड बॉटनी का, ठीक है। अब उसको लैब को मैन्युफैक्चर करना है, तो उनके लिए कोई डिजाइन किया जाएगा, तो लैब किसका, लैब केमिस्ट्री बॉटनी का, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर किसका, केमिस्ट्री बॉटनी लैब हमारा, ऐसे कर सकते हो। जहां जो मैंने ब्लैक किया तो वो आपके मैंने क्या, एल से लेपिडोप्टेरन, सी से कॉलियोप्टेरन, डी से डिप्टेरन, एल ए बी, ए बी में क्या हो गया मतलब लेपिडोप्टेरन के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, ए फॉर आर्मी वॉर्म और बी से बर्ड वॉर्म, इसका पूरा नाम है टोबैको बर्ड वॉर्म, तो इसे याद रख लेना। सी बी कॉलियोप्टेरन के अंदर आ जाएगा बीटल्स, ये ध्यान रखना कॉलियोप्टेरन के अंदर बीटल्स आएगा, बी बी दो बार है, लेकिन ये बर्ड वॉर्म के साथ टोबैको आएगा, टोबैको बर्ड है, यहाँ ध्यान रखना। और तीसरा आपका है डी एफ एम, डिप्टेरन फ्लाइज और मॉस्किटोज, क्या मैंने बताया आपको, क्या बताया था छोटा सा ट्रिक कि डिजाइन किया गया था फॉर मैन्युफैक्चर किस चीज का, डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चर किस चीज का, लैब का, और कौन सा लैब था हमारा, केमिस्ट्री और बायो का, तो डी से डिप्टेरन कंप्लीट, एल से लेपिडोप्टेरन और सी से कॉलियोप्टेरन। अब इसके अंदर क्या है, ये बीटल हो गया, ये ए से क्या हो गया आर्मी वॉर्म और बी से क्या हो गया बर्ड वॉर्म हमारा, और ये क्या हो गया फ्लाइज एंड मॉस्किटो, इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एग्जाम में आते हैं, देखो इसका मैंने छोटा सा एक ट्रिक बता दिया आपको कि याद कर सकते हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, कंफ्यूजन होता है कि प्रोटीन्स इनकोडेड बाय द जीन क्राई ए सी, क्राई वन ए सी, क्राई टू ए बी, क्राई वन ए बी, ऐसे करके कंट्रोल ये करता है कॉटन बॉलवर्म, कॉर्न बोरर, ऐसा सब मिलता जुलता एक लग रहा है, तो सिंपल एक ट्रिक आपको मैं बता रहा हूं, देखो ये क्या लिखना है, क्राई वन ए बी, सबसे पहले क्या होगा क्राई वन के बाद ए आएगा बी आएगा, फिर यहां पे वन के जगह टू कर दो, क्राई टू सेम रहेगा, ये चेंज होगा सिर्फ टू होगा, और यहां पे फिर क्या हो जाएगा क्राई वन ए सी, ये आपको ध्यान रखना है क्राई वन ए सी, क्राई वन ए बी, क्राई टू ए बी, क्राई वन ए सी, क्राई वन के बाद ये चेंज है, वन टू के साथ ए बी है, ये ध्यान रखना होगा। ये क्यों कंट्रोल करता है, कंट्रोल द कॉर्न बोरर, कंट्रोल द कॉटन बॉल वर्म्स,
एंड कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉर्म्स। तो देखो बहुत सब कुछ मिलता जुलता है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आपको एक छोटा सा याद रखना है, क्या याद रखना है आपको, कॉर्न याद रखना है। क्या याद रखोगे? कॉर्न। कॉर्न के बाद रखोगे वन, वन के बाद याद करोगे ए बी सी डी पढ़ोगे। वन क्या है? कॉर्न, मक्का समझ सकते हो आप, कॉर्न जो बेबी कॉर्न खाते हो ना, तो कॉर्न हो गया, बेबी कॉर्न से याद रखना कॉर्न। कॉर्न के बाद क्या है आप, वन क्लास, वन होता है, उसके बाद ए बी सी डी में क्या होता है, ए आता है और बी आता है, इसका मतलब, और क्राई तो कॉमन है, इसका मतलब कि क्राई वन ए बी कॉर्न ये हो जाएगा, कंट्रोल करेगा, बाकी जो भी है दोनों कॉटन बॉल वर्म। समझ रहा है? कंफ्यूजन नहीं होना। क्या मैंने बताया आपको, याद रखना आपको कॉर्न वन ए बी। अब जहां भी क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या याद रखना है, क्राई वन ए बी, क्राई वन ए बी, तो एक क्राई वन ए बी और यहां पे देखो क्राई टू ए बी है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। क्या याद रखना है, कॉर्न वन ए बी मतलब क्राई वन ए बी अगर आएगा तो ये क्या कंट्रोल करेगा, कॉर्न बॉरर को, ये ध्यान में रखना, और बाकी ये दोनों कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉल वॉर्म। तो एक ही यही चीज याद रखना, ज्यादा फालतू के चक्कर मत पड़ना, कॉर्न वन ए बी ये याद कर लो, आपको जहां समझ में आ जाएगा, कॉर्न वन ए बी, तो कॉर्न बोरर कंट्रोल होते हैं किससे, क्राई वन ए बी, क्राई वन ए बी, इतना हो गया। अब देखो यहां पे और एक निमेटोड के बारे में है, ये इसको मुंबई इंडियंस से याद रख सकते हैं, एमआई। ठीक है, अब यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ लेना, ये एक डायग्राम है, ये बताता हूँ अभी, ये डायग्राम बताऊंगा अभी। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे और कुछ नहीं है, देखो और कोई पॉसिबल ट्रिक्स नहीं है, पॉलीमरेज चेन एलाइजा जो मैंने बता दिया आपको फुल फॉर्म, ये सब अच्छे से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं ये देखो ये सब, तो इसके ये सब ट्रिक के चक्कर में मत पढ़ना, ट्रिक से कन्फ्यूजन होगा, आराम से पढ़ोगे ये सब, कि अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट इम्फाइजेमा ये सब। और यहाँ पे देखो प्रोटीन इनरिच रोजी, काओ रोजी, तो ये सब एक एक वर्ड है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ये सब अच्छे से पढ़ लेना। इथिकल इशू में ये जी का फुल फॉर्म था, और ये देखो बायो पायरेसी, ये सब अच्छे से पढ़ना है, यहाँ पे कोई ट्रिक्स नहीं है इसमें। और थोड़ा एक बार डायग्राम में बता देता हूँ, ये जो मैंने बताया यहाँ पे क्या है, मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इंटू इंसुलिन, इंसुलिन सबसे पहले देखो, तो इंसुलिन क्या होता है, तो इंसुलिन एक तरह का प्रोटीन है, प्रोटीन चेन होंगे उसमें, ठीक है, तो इंसुलिन में क्या होता है, इसमें दो शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, चेन ए और चेन बी, और ये दोनों चेन अटैच होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, इसमें क्या क्या होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज होते हैं, तो यहाँ देखो एस एस है, तो ये डाइसल्फाइड ब्रिज है, तो आपको ये ध्यान रखना, ये भी ये क्या है आपका, इंसुलिन है, लेकिन ये इंसुलिन ऐसे नहीं प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, ये क्या है तो ये बनता है प्रो इंसुलिन से, तो यही डायग्राम में है यहाँ पे कि मैचुरेशन हो रहा है प्रो इंसुलिन से इंसुलिन में, तो सबसे पहले यहाँ पे ये डायग्राम बनाया गया है प्रो इंसुलिन का, ये किसका है, प्रो इंसुलिन का, और यहां से आप बना रहे हो इंसुलिन, ये तो कैसे है देखो, डायग्राम में क्लियर है कि इंसुलिन ये है ये, और ये फ्री सी पेप्टाइड है, मतलब अगर क्वेश्चन आएगा कि फ्री सी पेप्टाइड ये है, ये इंसुलिन में होगा या प्रो इंसुलिन में प्रेजेंट होगा, आपका आंसर क्या होगा, ये प्रो इंसुलिन में प्रेजेंट होता है, इंसुलिन में, इंसुलिन में फ्री पेप्टाइड सी नहीं होता है, जैसे यहां पे देखो ये देखो ये ब्लू कलर का ए है, बी है और ये सी है, ये पूरा क्या है, प्रो इंसुलिन है। अब यहां से क्या हो गया, ए पेप्टाइड ये कौन सा, ब्लू कलर का ए पेप्टाइड है, ग्रीन कलर का ये बी पेप्टाइड है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं, इंसुलिन, और ये फ्री सी पेप्टाइड हो गया, ठीक है, तो यही यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि प्रो इंसुलिन और इंसुलिन में बताओ कि प्रो इंसुलिन में फ्री सी, प्रो इंसुलिन में फ्री सी पेप्टाइड होता है, सॉरी सी पेप्टाइड है तो होता है, लेकिन इंसुलिन में ऐसा कुछ नहीं है, इंसुलिन में देखो, इंसुलिन में क्या होता है, सिर्फ ए पेप्टाइड होगा और बी ए पेप्टाइड होगा, ये देखो इंसुलिन में, और इन दोनों के बीच में क्या होगा, डाइसल्फाइड ब्रिजेस होगा, तो ये आप डायग्राम एक बार देखोगे, यहां से देखो ये देखो क्या ये प्रो इंसुलिन है, इसमें क्या क्या है, ए बी है, बी बी सी है, क्लियर इसमें नहीं है, लेकिन जब इंसुलिन है तो ये देखो ये पूरा क्या है, इंसुलिन है, और ये फ्री सी पेप्टाइड, फ्री क्यों है कि ये फ्री हो गया है, इसका
इसका मैकेनिज्म भी है। लेकिन मैंने आपको सिर्फ डायग्राम बताया। तो आई होप कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमको लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।